जनाब, जिनके जूती तले हिंदुस्तान का संविधान हो, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुगलकी फरमान हो, चुनाव आते ही मुसलमानों को गरियाने में जिनका नाम हो, और तो और माथे पे तिलक, गले में माला, भगवा रंग की आड़ में कमकल खोपड़ी, जबान में जहर परोस कर समाज में नफरत फैलाना जिनका काम हो, और तो और जनाब सोने पे सुहागा तो तब हो जाए, ये सब नौटंकी जानकर भी हिंदुस्तान की पुलिस अनजान हो, और तो और जनाब इतना क्यों नफरती भाषण देने वालों का हिंदुस्तान में सम्मान हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, और आप देख रहे हैं मारिया रेड यूट्यूब चैनल में हूँ मारिया। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइज, आज का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर तरफ चुनाव की चर्चा है। अब इस चुनाव की चर्चा में बरसाती मेंढकों की भी उत्पत्ति हो चुकी है। दरअसल जनाब मामला कुछ यूं है, चुनाव का मौसम आते ही नफरती भाषणों की बौछार होना शुरू हो गई है। जनाब कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन जनाब 2014 के बाद की हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी तब्दीली तो जरूर आ चुकी कि एक मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान शख्सियत, और तो और जनाब एक छोटा सा खुद को धर्म का ठेकेदार बताने वाला व्यक्ति अब एक ही सफ में खड़ा है। मामला कुछ यूं है जनाब, इस वक्त हिंदुस्तान में चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल आते ही साथ हिंदुस्तान में नफरती भाषणों की अंगारों के तरीके बौछारें होने लगती हैं। इन नफरती भाषणों में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया जाता है। ऐसे ही कुछ घटना निकल के आई बिहार से। मामला कुछ यूं है जनाब, बिहार से एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यह महिला अक्सर अपने विवादित बयानों के द्वारा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन जनाब विवादित बयान यानी जनाब नफरती भाषण देने वालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। लेकिन ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से शायद घंटा फर्क पड़ता हो। तो जनाब आज की चर्चा का मुख्य विषय है खुशबू पांडे। जनाब खुशबू पांडे ऐसा नाम है कि अक्सर आपने भड़काऊ भाषणों में इस लड़की की शक्ल तो देखी होगी, जो खुद को कट्टर हिंदूवादी शेरनी बताती है, और तो और जनाब अक्सर नफरती भाषणों में इसकी आवाज जरूर कहीं ना कहीं से बुलंद होती नजर आती है। हालांकि जनाब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण देने वालों के ऊपर सख्त निर्देश दिए हैं, वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा शायद खुशबू पांडे जैसे लोगों पर अभी नहीं चल पाया है। जनाब मामला कुछ यूं है कि आजकल खुशबू पांडे बिहार में लगातार नफरती भाषणों की बौछार लगाए हैं। इन नफरती भाषणों में लगातार मुस्लिम समुदाय को बुरा भला कहा जा रहा, मुस्लिम समुदाय का खुलेआम नरसंहार करने का आह्वान करती दिखाई देती है खुशबू पांडे। एक्स पर बाकायदा बिहार पुलिस को टैग करके खुशबू पांडे की करतूत से लोग रूबरू करवा रहे। लेकिन जनाब हम आपको बता दें, कभी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तो कभी जनाब बिहार, अलग अलग राज्य जाकर धर्म विशेष के खिलाफ नफरती भाषण देने वाली खुशबू पांडे को कम मत समझिएगा। जनाब ये कोई पहली बार नहीं है कि खुशबू पांडे के विवादित वीडियो वायरल हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों की भावनाओं को आहत हुआ और लोगों ने एक्स पर बिहार पुलिस को टैग करके शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि जनाब उन लोगों के ट्वीट पर कोई भी एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ बिहार पुलिस के द्वारा। लेकिन जनाब खुशबू पांडे ने शायद बिहार पुलिस को निकम्मा साबित कर दिया। दरअसल जनाब आज से 6 से 7 महीना पहले का एक वीडियो है खुशबू पांडे का, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, जब खुशबू पांडे ने बिहार पुलिस को शायद बिहार के कानून को शायद चैलेंज किया था, जब मनीष कश्यप वाला केस उछाल पे था। खुशबू पांडे ने खुद कहा था बिहार के पटना का चक्का जाम कर देंगे मनीष कश्यप के लिए। जनाब हम आपको उस महिला के कुछ अल्फाजों से रूबरू करवा देते हैं। और तो और जनाब खुशबू पांडे यहाँ पर भी नहीं रुकी, खुशबू पांडे ने धर्म और संविधान का कंपेयर कर डाला। खुशबू पांडे कहती हुई दिखाई पड़ी कि संविधान कुछ नहीं होता, जहाँ धर्म है वहां जय है। जनाब अपने नफरती भाषणों में खुशबू पांडे अक्सर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती हुई चली आ रही, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। हम आपको बता दें जनाब बिहार में जिस वक्त खुशबू पांडे ने नफरती भाषण मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिया तो कई लोगों ने ट्विटर यानी जो अब एक्स की शक्ल में तब्दील हो चुका है उस पर शिकायत की। जनाब अब तो देखना यह है कि आखिर कब सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद भी कब बिहार पुलिस खुशबू पांडे के ऊपर कार्रवाई करेगी। हालांकि जनाब जिस वक्त खुशबू पांडे के ऊपर कार्रवाई होती है उसके नफरती भाषणों को लेकर उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।